नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी की तरफ से आज 10+2 का रिजल्ट आउट हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं दोपहर के बाद कि हम कैसे रिजल्ट को चेक करें, कैसे हम उसको सिंपल स्टेप्स में जल्दी रिजल्ट को देख सकें और हम उसका प्रिंट आउट ले सकें। तो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, उसकी हेल्प से आप जो है चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी की साइट है। सबसे ऊपर जो लिंक है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रिजल्ट मार्च 2019, तो इस पे जाके हम क्लिक कर लेते हैं पूरा का पूरा। और आपके सामने जो है नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट पेज जो है indiaresults.com की साइट आपके सामने खुल जाएगी। दोस्तों, दो सिंपल तरीके हैं बिल्कुल। या तो आप अपना रोल नंबर एंटर करें यहाँ पे, अगर रोल नंबर याद है तो। जिसको रोल नंबर याद नहीं है वो सिर्फ अपना नाम यहाँ पे दे और गो के बटन पे क्लिक करें। तो एग्जांपल मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से चेक करना है। मान लिया किसी स्टूडेंट का नाम है विकास, मैंने यहाँ पे लिखा विकास। तो विकास लिखने के बाद जो है, अब ये रिजल्ट है विकास का। ये देखिए, जितने भी विकास नाम के कैंडिडेट हैं सभी का रिजल्ट सामने आ चुका है इस पे। ये नाम है स्टूडेंट का और ये रोल नंबर है, यहाँ पे फादर नेम है। तो मान लीजिए कि विकास के फादर का नाम है, ये यहाँ पे है राम कुमार, ये एक्चुअल कैंडिडेट है। तो लास्ट में जो गेट का बटन है उस पर हम जाके क्लिक करेंगे तो इसका पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो गेट के बटन पे हम क्लिक कर देते हैं, ये पूरी मार्कशीट जो रिजल्ट की ये आपके सामने आ गई। देखिए, ये है विकास। स्टार्टिंग में एनरोलमेंट नंबर है, उसके ठीक नीचे रोल नंबर है, फिर नेम है कैंडिडेट का, फादर नेम है, मदर नेम है और डेट ऑफ बर्थ है। और उसके नीचे जो है ये पूरा की पूरी डिटेल है। 5 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, जैसे स्टार्टिंग में ये इंग्लिश है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन। ये थ्योरी के मार्क्स हैं, ये प्रैक्टिकल के हैं यहाँ पे, और ये टोटल मार्क्स हैं, और ये लास्ट में जो है ग्रेड है। और इसी के नीचे जो है रिजल्ट का मेंशन होता है यहाँ पे। ये देखिए, अगर पास है तो क्वालिफाइड लिखा हुआ आपको मिलेगा, ये टोटल मार्क्स हैं और ये GPA ग्रेड है। तो इस तरह से हम इसको रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। अगर हमने रिजल्ट का प्रिंट लेना है तो प्रिंट पे जाके हम क्लिक करेंगे। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप लैपटॉप के साथ प्रिंटर अटैच है तो प्रिंट पे क्लिक करते ही जो है तुरंत हमारा रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो दोस्तों रिजल्ट के रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।